हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये चल रही है मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें मैंने पार्ट वन और पार्ट टू पहले ही बता चुका हूँ। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको पार्ट थ्री बताने वाला हूँ। यहाँ पे सारे रियल टाइम के इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, जो भी आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे अगर आप मैनुअल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो जल्दी से शुरू करूँगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। चलो शुरू कर देते हैं, जो हाईलाइटर ले लेते हैं। मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर पार्ट थ्री, इसमें देखते हैं। सबसे पहला आता है, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सिनेरियो, यूज़ केस एंड टेस्ट केस, और डिफरेंस बिटवीन सिनेरियो और टेस्ट केस। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेरियो, यूज़ केस और टेस्ट केस, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिनेरियो भी वैसे ही सुनने में लगता है, यूज़ केस भी वैसे ही लगता है, टेस्ट केस भी में सिनेरियो और टेस्ट केस में कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो आप इजीली डिफाइन कर देते हैं टेस्ट केस और सिनेरियो में, बट यूज़ केस और सिनेरियो में डिफरेंट नहीं मिल पाता। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ विद एग्जांपल, तीनों के एग्जांपल बताऊँगा, आपको डिटेल में समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं सिनेरियो की डेफिनेशन, सिंपल सी। सिनेरियो कुछ नहीं होता, समझ लीजिए एंड यूज़र कोई भी फंक्शनैलिटी को चला रहा है रियल टाइम पे, रियल टाइम एनवायरनमेंट में जो आपने जो फंक्शनैलिटी बनाई है सॉफ्टवेयर पे, उस पे वो एंड यूज़र वर्क कर रहा है, तो उसे कहेंगे सिनेरियो। कि वो अलग अलग किस तरह से वो फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकता है, उसे हम कहेंगे सिनेरियो। यूज़ केस होगा कि कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एंड यूज़र। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसा बनाया वो वैसे ही फ्लो में चले, मतलब इस तरह से कह सकते हैं यूज़र, यूज़ केस हो सकता है यूज़र की जर्नी, कि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कैसे फ़्लो में ले जाना है इंटरेक्शन करते हुए एप्लीकेशन के साथ, उसे कहेंगे यूज़ केस। ठीक है, इसका एग्जांपल लूँगा ना तो आपको दोनों चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। सिनेरियो और यूज़ केस आपको थोड़ा सा मिलता जुलता लगेगा कि एंड यूज़र के फंक्शनैलिटी चला रहा है रियल टाइम एनवायरनमेंट में और ये कर रहा है इंटरेक्ट कर रहा है, पर इन दोनों का एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एग्जांपल हम उठाएंगे एटीएम मशीन का। एटीएम मशीन का आप भी उठा के बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, हेयर द फंक्शनैलिटी ऑफ द एटीएम मशीन। हमें भी पता है एटीएम मशीन की फंक्शनैलिटी क्या होती है, कि वो आपको पैसा निकाल के देगा एंड यूज़र्स के लिए। अब सिनेरियो देख लेते हैं एंड यूज़र की तरफ से। अगर आप एंड यूज़र हैं, एटीएम मशीन में गए, तो आपको कौन कौन से सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने सोचे भी नहीं होंगे वैसे वैसे आप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। दो सिनेरियो लेके आपको पूरा समझ में आ जाएगा सिनेरियो क्या होता है। पहला सिनेरियो मैंने लिया है, समझ लीजिए आप रात में गए, रात में आपको आपके वॉलेट में पैसे नहीं है और टैक्सी वाले ने आपसे मांगे कि 70 रुपये हो गए सर, तो आप 70 रुपये कहाँ से ला के देंगे। पेटीएम, गूगल पे ये सब यूज़ नहीं करता वो टैक्सी वाला, आपको कैश ही देना है। तो आपके पास में एक एटीएम मशीन है, वहाँ पे आप गए, यही चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, ही गोज़ टू द एटीएम मशीन एंड ट्राइंग टू विदड्रॉ द मनी। वो फिर वहाँ से पैसे निकालेगा एटीएम से, बट एटीएम क्या करेगा, वो आपको 500 या 1000 के नोट देगा, 70 रुपये तो देगा नहीं आपको। अब रात का टाइम है, 500 और 1000 के नोट आपको कैसे खुले मिलेंगे, वो आपको 500 या 1000 के नोट देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शनैलिटी तो हमारा सही काम कर रही है, एटीएम का काम ही है पैसा निकाल के देना, ये हमने अभी बताया, वो पैसा निकाल भी रही है 500 और 1000, बट वो यूज़र के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो बस यही चीज़ है। बट इट विल नॉट सेटिस्फाइड द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट, वो एंड यूज़र रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, उसे 70 रुपये चाहिए था, वो 70 रुपये एटीएम निकाल नहीं पा रही, तो उसके लिए एटीएम बेकार है, समझ लीजिए। वो उसने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि मुझे 70 चाहिए था बट 500 और 1000 नोट निकाल के दे रहा है, तो उसके लिए वो एटीएम ज़रूरत नहीं है, बेकार चीज़ है। तो इट विल नॉट सॉल्व हिज पर्पज़ ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉलर नोट। अगर वो 100 का नोट भी दे देता तो सही था एटीएम, बट उसने 500 और 1000 के नोट दिए। तो ये हो गया उसका सिनेरियो, एक यूज़र का सिनेरियो क्या हो सकता है कि 70 चाहिए था, 500 और 1000 निकाल के दे रहा है एटीएम की, फंक्शनैलिटी ठीक काम कर रही है बट यूज़र के हिसाब से बेकार रही है। ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं। अगर बाई चांस अब आपको समझ लीजिए 1 लाख रुपये, ओह माय गॉड, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने हैं। आप एटीएम के पास गए, एटीएम मतलब एटीएम पे गए, एटीएम से आपने 1 लाख रुपये विदड्रॉ किए। जब आपने विदड्रॉ किया तो एटीएम वाले ने क्या किया, आपको 100-100 रुपये के नोट दे दिए। अब क्या करेंगे, 100-100 रुपये के आपके पास नोट हो गए 1 लाख रुपये तक के। अब खुद सोचिए 100-100 के कितने सारे आपके पास नोट हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा, फंक्शनैलिटी तो सही काम कर रही है, एटीएम का काम है पैसा निकालना, वो पैसा निकाल के भी दे रही है, बट वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही एंड यूज़र के रिक्वायरमेंट को। क्योंकि एंड यूज़र क्या चाहिए था, उसको 1 लाख रुपये चाहिए था, अगर वो उसको 500 या 1000 के नोट देता तो वो ईज़िली कैरी कर सकता था, क्योंकि उसमें कम नंबर ऑफ नोट्स होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ नोट्स होते हैं, तो ईज़िली वो कैरी कर सकता था, वो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। ये हो गया एक दूसरा सिनेरियो। तो आप, मुझे लग रहा है आपको सिनेरियो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ केस की। अब यूज़ केस भी देख लेते हैं। यूज़ केस क्या होगा, एक यूज़र जर्नी की तरह होगा। समझ लीजिए एटीएम आप गए, एटीएम में आपने यूज़ केस बता रहा हूँ, यूज़ केस में क्या करते हैं आप, यूज़र ने
इंसर्ट किया डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन में, फिर इसके बाद वो पिन एंटर करता है। पिन एंटर करने के बाद वो अपना टाइप ऑफ अकाउंट चूज़ करता है कि सेविंग है करंट है, ठीक है। उसके बाद वह ना अपना अमाउंट एंटर करेगा, फिर यस या नो ट्रांजेक्शन स्लिप के लिए, उसके बाद एंटर प्रेस करेगा कंप्लीट ऑपरेशन के लिए। तो ये हो गया पूरा यूज़ केस कि कैसे वो इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, फंक्शनैलिटी के साथ, ठीक है, इंटरेक्शन होगा इसके साथ। टेस्ट केस की बात करें तो टेस्ट केस क्या होगा, अगर हम एटीएम के ही टेस्ट केसेस की बात करें तो इसमें आप क्या क्या टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसकी वजह से पता पड़े कि ये हमारा चल भी रहा है, सही भी नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा। आपने टेस्ट तो किया होगा एटीएम को, तो एटीएम के टेस्ट केसेस कैसे हो सकते हैं आप चेक कर सकते हैं। फॉर अ वैलिड और इनवैलिड डेबिट कार्ड, अगर आपने इनवैलिड या वैलिड डेबिट कार्ड डाला तो उसके हिसाब से वो मैसेज देगा या फिर आपका पैसा निकाल के दे देगा। एक्सपायरी, अगर बाई चांस आपकी ग्रेटर देन इस एक्सपायरी डेट जो रहती है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में, उसकी अगर ग्रेटर देन हो, लेस देन हो और इक्वल हो टू डे डेट के, तो क्या होगा उसमें, वो चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। आपने अगर करेक्ट डाला या फिर इनकरेक्ट पिन डाला, या मिनिमम या मैक्सिमम पिन डाला, मतलब 3 डिजिट का पिन डाल दिया, कहीं वो तो नहीं है कि 5 डिजिट का एक्सेप्ट भी कर रहा है एटीएम, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं टेस्ट केस के अंदर। अगर बाई चांस इसमें और भी आ जाते हैं कि अगर आपने अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, आपके पास है ही नहीं उतना बैलेंस अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा, तो क्या वो निकालने देगा। अगर आपका अमाउंट कम है अवेलेबल बैलेंस में तो ये आपका निकालने दे सकता है। अगर आपका अमाउंट जीरो से कम निकालना चाह रहे हैं तो निकल ही नहीं सकता, मतलब नेगेटिव में आप निकाल सकते हैं, उसमें नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी टेस्ट केस के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब इसमें बात करते हैं विच 3 इंपॉर्टेंट सिनेरियो यू विल टेस्ट एज मैनेजर ऑन कैलकुलेटर बिफोर इट गोइंग टू प्रोडक्शन। मैं आपको सिनेरियो और यूज़ के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 3 इंपॉर्टेंट सिनेरियो बता दो, अगर आप मैनेजर हैं तो कैलकुलेटर के लिए आप कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट सिनेरियो चेक करेंगे प्रोडक्शन पे भेजने से पहले। तो हम देख लेते हैं क्या क्या हम चेक करेंगे। सबसे पहले एक डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई, दोबारा इसलिए लिखी है ताकि आपको याद हो जाए। सिनेरियो इज़ नथिंग बट हाउ द एंड यूज़र विल यूज़ द गिवन फंक्शनैलिटी इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। सो when end user will take this calculator to UAT, he will test the following scenario. अगर end user लेगा UAT की user acceptance के लिए, तो ये scenario वो check कर सकता है production पे भेजने से पहले। manager ये check कर सकता है, कौन कौन से check कर सकता है, जैसे पहला वाला scenario हम ले सकते हैं, whether all the letter are visible and after pressing a specific letter whether the value is getting displayed on the display window। मतलब ये है कि आपने कोई भी लेटर प्रेस किया, मतलब कैलकुलेटर है, आपने कोई भी 2 नंबर प्रेस किया, 3 नंबर प्रेस किया, तो वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। आपने 2 प्रेस किया, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कैसा कैलकुलेटर, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने प्रेस क्या किया। अब कैलकुलेटर का मेन काम क्या होता है कि वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न 2 नंबर के साथ, 2 मैक्सिमम नंबर के साथ वो परफॉर्म हो जाना चाहिए। ये आपको मेन चेक करना ही पड़ेगा अगर आप प्रोडक्शन पे भेजने से पहले कैलकुलेटर को चेक करना चाहते हैं। फिर इसका थर्ड बात करते हैं, अगर आपने कोई भी इनवैलिड ऑपरेशन दिया तो वो प्रॉपरली हैंडल हो पा रहे हैं या नहीं, जैसे डिवाइड बाई ज़ीरो का होता है, जैसे कोई भी आपने नंबर दिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपने 0 लिखा, तो ये प्रॉपरली हैंडल हो पा रहा है ये केस को, तो ये वाला भी आप केस चेक करके भेजेंगे। ये 3 सिनेरियो आप एज अ मैनेजर की तरह परफॉर्म करेंगे ऊपर ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक और सिनेरियो का मैंने क्वेश्चन ले लिया, राइट सिनेरियो ऑन लॉगिन विंडो। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में, लॉगिन विंडो के ऊपर आप सिनेरियो बता दीजिए, या फिर टेस्ट केसेस भी पूछ सकता है आपसे। हाउ विल यू टेस्ट द लॉगिन फंक्शनैलिटी, या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, हाउ विल यू टेस्ट द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, या फिर तीसरा ये हो सकता है, टेल मी योर अप्रोच ऑफ टेस्टिंग द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। आपसे लॉगिन का कुछ भी पूछे, सिनेरियो पूछे, ये पूछे, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे, आपको ये वाला आंसर बता सकते हैं। इसमें आप कुछ अपना भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको एकदम सही आंसर बताता हूँ। सिनेरियो लॉगिन विंडो का चेक करने के लिए आप ये वाला चीज़ कर सकते हैं, सिंपल है, 3 के तो आप शुरुआत के ऐसे याद कर सकते हैं। वैलिड यूज़र नेम डालना है, इनवैलिड पासवर्ड तो वो लॉगिन करके देखना है, ठीक है। इनवैलिड यूज़र नेम डालना है, वैलिड पासवर्ड करना है, मतलब अपोजिट कर दिया आपने इधर से उधर। इनवैलिड यूज़र नेम डालना है, इनवैलिड पासवर्ड डालना है, ये कर दिया, तो ये तीनों नेगेटिव केस है, मतलब लॉगिन हमारा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें एक चौथा इसमें लिख सकते हैं पॉजिटिव वाला, कि वैलिड यूज़र नेम डाला और वैलिड पासवर्ड डाला, तो आपका लॉगिन हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आता है विदाउट एंटरिंग यूज़र नेम और पासवर्ड। आपने कुछ भी नहीं डाला, यूज़र नेम और पासवर्ड में ब्लैंक कर दिया, लॉगिन किया तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर अगर आपने डाले यूज़र नेम और पासवर्ड में, फिर ट्राई किया। अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड में मैक्सिमम कैरेक्टर से ज़्यादा डाल लें यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड में, तब आप क्या चेक कर सकते हैं, बस ये 5-6 हैं, आप जितने चाहें उतने बता सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड में कैरेक्टर बताइए, लेंथ बताइए, जितना चाहें उतना आप बता सकते हैं। ये मेनली 5 भी बता देंगे इनफ है, इंटरव्यू में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। 24 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द डिफरेंट सिनेरियो ऑन चेयर मोबाइल एंड मिक्सर। देखो अब ये वाली चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसकी आप PDF ले लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, अपना आंसर मैच करिएगा, बट उससे पहले आप इसको आंसर लिखना है। मैंने आंसर लिख रखा है, उसके साथ आप मैच कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सिनेरियो मैंने बहुत बता दिए, अब आपको चेयर का, मोबाइल का और मिक्सर का लिखना है, ठीक है। तो चेयर का आप लिख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, देन फिर इसके बाद बात करें मिक्सर का सिनेरियो, मिक्सर का आप लिखिएगा, उसके बाद यहाँ से आप पढ़ सकते हैं रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट बात करें मोबाइल का, मोबाइल का सिनेरियो ज़्यादातर पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप ये वाला भी लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे चेक करिएगा सिनेरियो आपके ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ करा देता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, धीरे धीरे कराएंगे, आप बोर भी ना हो। ताकि अगर बाई चांस एक और सिनेरियो का क्वेश्चन लेते हैं लास्ट वाला, सी इक्वल टू ए प्लस बी है डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन का आपको सिनेरियो बताना है। अब देखो ये एक इक्वेशन दे दी अलग से, अब आपको इसको सिनेरियो कैसे बना सकते हैं उस वहीं पे ही आपको रियल टाइम पे सोचना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आपको यही वाला इक्वेशन दे, कुछ भी चेंज कर सकता है, बट मैं इस इक्वेशन के हिसाब से बताता हूँ आपको। यहाँ पे देख के कुछ इक्वेशंस के हिसाब से खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप डिवाइड बाई ज़ीरो का आप चेक कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आउटपुट का चेक कर सकते हैं, मतलब वन और प्लस माइनस वन का, और यहाँ पे बात करूँ तो आपका और भी चेक हो सकता है, जैसे कि अगर हमने एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ले लिए या फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया, तो वो अलार्म देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें सिमिलर नेगेटिव वैल्यू ले लें दोनों ए और बी में, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, टू टेस्ट द सिनेरियो ऑफ डिवाइड बाय ज़ीरो का केस बन जाएगा। कैसे लेके देखते हैं, इसमें बोला नेगेटिव वैल्यू लेना है दोनों ए और बी में। अगर बाई चांस यहाँ पे मैंने -2 ले लिया और यहाँ पे -2 ले लिया, -2 -4 हो गया, नुमरेटर में -4 हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं ए -2 है, बी है -2, माइनस प्लस हो गया, तो -2 और +2 0 हो गया, तो ये डिवाइड बाई ज़ीरो का केस बन गया। तो ये डिवाइड बाई ज़ीरो का केस फर्स्ट वाला हो गया, इसमें हम डिवाइड बाई ज़ीरो का केस चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेम दूसरा वाला केस क्या है, कि अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ले लें ए और बी की, तो इसमें चेक करना है इन्फिनिटी का केस। जैसे आपने यहाँ पर ले लेते हैं -2 और यहाँ पर ले लेते हैं +2, माइनस और +2 0 हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे करेंगे -2 और +2, तो यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा। तो दोनों की बात करें तो ये डिवाइड बाई 0, उसमें इन्फिनिटी का आ जाएगी केस, ठीक है, इन्फिनिटी का केस आ जाएगा। तो ये आप ये वाला चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी वैल्यू लेनी है आपको ए की, एनी वैल्यू ऑफ ए एंड 0 वैल्यू फॉर बी टू टेस्ट द सिनेरियो फॉर गेटिंग रिजल्ट 1। ये मैंने आपको पहले अभी बताया कि रिजल्ट 1 के लिए चेक करेंगे, -1 के लिए। कैसे, कि आप बी की वैल्यू को 0 कर दो और ए की आपको कोई भी है ना वैल्यू उठा लेनी है कोई से भी, तो ए डिवाइडेड बाई ए होगा, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। सेम इन केस ऑफ सेकेंड वाला क्या केस है जो -1 में आएगा वो बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आपको 0 लेनी है, इसकी वैल्यू 0 लेनी है, बी वाले की आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, -1 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि बी डिवाइडेड बाई बी हमारा -1 आएगा। नेक्स्ट वाली बात करें, एनी टू डिफरेंट वैल्यू फॉर ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी टू पॉजिटिव आउटपुट। अगर आपका ए ग्रेटर देन है बी से, तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू। अगर हम बात करें सेम उसका अपोजिट कर दें, कि अगर हम टू डिफरेंट वैल्यू लें ए और बी की, और ए इज़ ग्रेटर देन बी टू द नेगेटिव आउटपुट, यहाँ पे बी इज़ ग्रेटर देन ए आएगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं सही कर दूंगा, तो बी इज़ ग्रेटर देन ए करेंगे तो आपका नेगेटिव आउटपुट आ जाएगा। ये मैंने आपको सिनेरियो के सारे क्वेश्चंस करा दिए, अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में आके। पार्ट 4 जल्दी आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको किसी भी तरह से प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।